सकता है। तो ये देखिए, ये इस टाइप से, ये है फ्लावर पॉट। तो फ्रेंड्स ये स्काई शॉट, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफी बड़ा है ये, और ये से तीन है इसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर थ्री आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं दिवाली स्टैश कि हमने क्या किस किस वैरायटी के किस तरह के पटाखे लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट, क्योंकि आज का पूरा व्लॉग पटाखे पे होने वाला है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं किस वैरायटी के किस टाइप के पटाखे लेकर आई। तो फ्रेंड्स ये है सारे पटाखे, और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सा पटाखा कैसा है अंदर से और कैसे ये जलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स एक लिया है मैंने चक्री का बॉक्स, जो कि बच्चों के हिसाब से सारे पटाखे देख सकते हैं, थोड़े बहुत है जो आप बड़े भी फोड़ सकते हो, बच्चे भी फोड़ सकते हैं। तो पहले तो ये है चक्री बेंटन की, और इसमें आए हैं 10 पीसेस, और सेकेंड है ये स्पाइडरमैन का रिमझिम फ्लावर पॉट। तो एक ये है, अभी देखते हैं फोर्थ टाइम पता चलेगा किस टाइप से इसमें है। तो अभी बच्चों के हिसाब से ये अब कुछ कलरफुल है इस बार हम, मतलब अच्छे से पटाखे लेकर आए हैं बच्चों के हिसाब से, ताकि बच्चे भी फोड़ पाए और डर भी ना रहे। हम रहेंगे उनके साथ, वो फोड़ेंगे जब। पर ये देखिए ये है फ्लावर पॉट, और तो फ्रेंड उसके बाद ये है ड्रैगन फाइट हैरी पॉटर का 5 पीसेस का सेट। तो अभी पता नहीं अंदर से कैसा है, जब फोड़ेंगे जब पता चलेगा, तब मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये किस टाइप से फूटता है। इसके बाद ये है तरतड़ी, हम तो तरतड़ी बोलते हैं, बाकी का पता नहीं। और ये है 20 पीसेस की, तो ये भी हम बड़े भी फोड़ सकते हैं, बच्चे प्रति भी फोड़ सकता है, अधीरा नहीं फोड़ सकता है। और इसके बाद है ये 2 साउंड का पूरा सेट है पटाखे का, जो कि वो ऐसा लक्ष्मी ओम जैसा दिख रहा होगा आपको। तो ये भी कितने का सेट है, एम्ब्रॉइडरी का बात, ये 10 पीसेस का सेट है, और ये 2 साउंड की आवाज करेगा, जैसे शायद मुझे लगता है एक बार नीचे फूटेगा फिर एक बार ऊपर जाके फूटेगा, फिर जब फोड़ेंगे जब पता चलेगा, आपको भी दिखाऊंगी मैं कि किस टाइप से फूटेगा ये। इसके बाद ये है न्यू इलेक्ट्रिक 30 नंबर, ये है फुलझड़ी, शायद कलर वाली है, ये कलर तो बना हुआ है इस पर। तो ये भी 5 पीसेस का सेट है। उसके बाद है ये नीलू कलर, ये भी फुलझड़ी है, क्योंकि ये सारे पटाखे फोड़ने के लिए फुलझड़ी तो चाहिए चाहिए, इसे फुलझड़ी के हम बहुत सारे पैकेट लेकर आए। तो इसमें 5 पीसेस का सेट है ये। उसके बाद फ्रेंड्स ये है झिलझिल रस्सी, झिलझिल बच्चों के लिए है ये, जो रस्सी बचपन में हम जलाते थे ना, जो जलती हुई थी, कलर वाली दिख रही होगी आपको, तो ये कलर वाली रस्सी है, जो कि अधिराज इसको आराम से बिना डरे इसको पकड़ के जला सकता है। और फिर से अगेन फुलझड़ी का बॉक्स, क्योंकि इतने सारे पटाखे तो उसके लिए फुलझड़ी तो चाहिए, और देखो अभी तक एक डब्बा भी खुल गया है, फुलझड़ी इधर से आ गई। तो ये भी 5 पीसेस का सेट है। उसके बाद है ये ट्रिक्स का, कुछ 4 शॉट्स है इसमें, अब पता नहीं कैसे फूटेंगे। तो एक ये पैकेट है, और इसके 2 पैकेट लिए हमने। उसके बाद है ये वाले पटाखे तोता बम, हाँ तोता बम है, इसके पूरे 20 सेट आए थे, तो ये सारे खुल गए, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि बहुत सारे सेट है इसके। उसके बाद है ये स्पिनर मिक्स, ये स्पिनर वाली चक्री, जो कि शायद मुझे लगता है स्पिनर जैसे घूमता है उस टाइप से ये चक्री घूमेगी, तो भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को, जब फोड़वाएंगे तो आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे चलेगी ये चक्री। उसके बाद है ये पेंटा फ्लैश, अभी अंदर से कैसा है पता नहीं, क्योंकि पूरा रैप है, और अभी मैं खोल दूंगी तो फिर सब बिखर जाएगा, तो आपको जब मैं फोड़ूंगी जब दिखाऊंगी कि ये किस टाइप से फूटेगा, मुझे भी पता नहीं अभी। तो पेंटा फ्लैश नाम है इसका। तो फ्रेंड्स इसके बाद है ये अशरफी का फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट जो मैंने आपको दिखाया था स्पाइडरमैन वाला था, ये है छोटा, और शायद उससे बड़ा ये है, जो कि इसमें पता नहीं कितने पीसेस है, शायद 5-6 पीसेस है इसमें भी। तो ये भी कुछ नया था तो हमने लिया, तो देखिए ये खुल सकता है। तो ये देखिए ये इस टाइप से, ये है फ्लावर पॉट। तो फ्रेंड्स ये क्या लग रहा है आपको? सही, मुझे तो लड्डू ही लग रहा है कि मोतीचूर का लड्डू है, पर ये नहीं, अभी इसमें वो तो जो होती है ना ऊपर जलाने की, वो नहीं दे रखा आप किस टाइप से फूटेगा, ये पता नहीं, उसी टाइम जब फोड़ेंगे तभी इसका कुछ देखेंगे कि कैसे ये फूटेगा। शायद यहाँ पे अगर फुलझड़ी लगाएंगे जला के, तो ये पॉट फ्लावर पॉट जैसा बनेगा। तो ये भी 5 पीसेज है इसके, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। तो ये भी आपको जब जलाऊंगी तब बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो रस्सी मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई ना, उसका ये छोटा वर्जन है, छोटू रस्सी है ये, 2 पैकेट इसके लेकर आए, ये भी अधिराज के लिए हमने लिए,
कि वो जला सके आराम से। इसके बाद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है 10 का दम, जो कि शायद ऊपर जाके स्काई शॉट टाइप ही है, अंदर से पता नहीं कैसा है और ऊपर भी कुछ ज्यादा दे नहीं रखा। हाँ, स्काई शॉट्स के, तो ये भी ऊपर जाके फूटेगा कुछ इस तरह से। तो एक ये पैकेट लिया हमने, और उसके बाद मेरे पास है ये मोदी पावर। तो ये एक पटाखे का नाम रख दिया है मोदी पावर। तो मोदी जी की तो काफी पावर है अपने यहाँ पे इंडिया में, तो अब देखते हैं पटाखे में कितनी पावर है। मोदी जी के नाम पे बना है ये सुतली बम, ग्रीन एटम बम बोल सकते हैं, रस्सी बम आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी 5 पीसेस का सेट है, एक बॉक्स में है 10 पीसेस और ऐसे है मेरे पास 5 बॉक्सेस। तो ये भी फोड़ेंगे हम दिवाली के दिन, आपको बताएंगे कि मोदी जी में कितनी पावर है। तो एक आपको मैं खोल के दिखाती हूँ पैकेट रस्सी बम का, वैसे तो इसमें 5 पैकेट है। तो फ्रेंड्स ये है एटम बम, ग्रीन एटम बम देख सकते हैं आप, इसकी काफी ज्यादा साउंड होती है। तो ये कुछ इस टाइप से, हमारा अधिराज तो बहुत डरता है ये वाले बम से, क्योंकि उसको बचपन में तो बहुत डरा है, बाकी अभी तो पता नहीं मुझे, इसकी साउंड बहुत तेज रहता है बाकी रस्सी बम का, एटम बम का। तो एक ये है मोदी पावर, उसके बाद आता है ये रंग महल। तो फ्रेंड इसके बाद ये है रंग महल का 1 पीस, जो कि स्काई में जाके अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर्स के रंग ये क्रिएट करता है, कि इतना क्योंकि मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ कि किस टाइप से ये फूटेगा। और रंग महल तो आज से नहीं है, बहुत पुराना है, ये ऑल टाइम फेवरेट है सबका। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको ये भी खोल के कि ये कैसा है अंदर से। तो देखिए फ्रेंड्स ये है कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये रंग महल कुछ अंदर से इस टाइप से है ये, तो इसको बाहर निकाल के रख देंगे। और ये है इसकी रस्सी जहां से ये जलेगा, और यहां से ये एक एक कलर शॉट ऊपर स्काई में छोड़ता हुआ ये पूरा यहां तक कंप्लीट होगा। ऊपर से ये रैप है ऐसा, तो अलग अलग कलर्स ये क्रिएट करेगा ऊपर स्काई में, तो काफी सुंदर लगेगा। और मैं आपको जरूर बताऊंगी इसका शूट करके कि ये कैसा लगेगा। तो ये एक ही पीस है, इसके अंदर एक ही पीस आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये कलर कोटी, जायंट कलर कोटी देख सकते हैं आप, ये भी कलरफुल दिख रहा है मुझे। और ये अनार है, बड़े वाले जो अनार होते हैं ना, तो आपको दिखाती हूँ मैं खोल के, और भी कलर वाले जो अनार होते हैं उस टाइप से, एक सिंगल कलर अनार आता है और एक ही कलर वाला आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स तो इतना बड़ा है, आधा बॉक्स तो उन्होंने इससे ही कार्टून से कवर कर दिया, मुझे लगा था पूरा यहाँ तक है। तो फ्रेंड्स इसमें आया टोटल 10 पीसेज ये देख सकते हैं आप, और ये है जायंट कलर कोटी, कलर वाले अनार है ये, तो ये भी बच्चों के हिसाब से हमने लिए। इसके बाद एक और आता है कलर कोटी का ये बॉक्स, ये पिंक वाला कुछ बॉक्स है, और ये भी अलग बॉक्स है थोड़ा सा, इससे देखते तो है कैसा है अंदर। और 10 पीसेज है इसमें भी, और वो कुछ अलग है और शायद ये कुछ अलग अलग कलर्स का है, बाकी सेम ही है, नाम तो कलर कोटी है दोनों का सेम। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है ये नाइट पार्टी शॉर्ट्स है, ये देख सकते हैं आप 3 शॉर्ट्स है इसमें। तो ये भी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है अंदर से, 3 पीसेस ही आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये स्टाइल शॉर्ट, ये देखिए मैं आपको तो ये देखिए फ्रेंड्स काफी बड़ा है ये, और ऐसे 3 है इसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर 3 आए। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये स्काई शॉट, ऐसे 3 पीसेस है इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये, बस ये थोड़ा साइज में बड़ा है और अच्छा फूटेगा। तो इसके 2 बॉक्सेस है मेरे पास, एक तो ये 3 पीसेस का ये है और एक 3 पीसेस का ये है, तो 2 बॉक्सेस लिए थे हमने इसके। और उसके बाद लास्ट में आता है फ्रेंड्स ये विज विल, ये भी चक्री का पैकेट है, एक चक्री का पैकेट बेंटेन का ये वाला था और एक ये वाला हमने छोटा वाला लिया है, इसके 2 पैकेट है मेरे पास ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स मैं आपको अब बताती हूँ कि मेरे को ये सारा जो दिवाली स्टेज है कितने में मुझे मिला है। तो ये है 6,000 रुपीज के सारे पटाखे, जितने भी आप देख सकते हैं ना ये सब 6,000 के, तो सही रेट के पड़े मुझे। बाकी बहुत सारे पटाखे अलग अलग तरह के, पता नहीं चलता ना कि अंदर से सेम हो, पता चला ऊपर पैकेजिंग अलग है सबकी, अनार दिखता है सब सेम थे। अब इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं अलग है, और इस वाले की पिंक वाले की अलग है, तो मुझे लगा कुछ अलग होगा, तो इसलिए मैंने इसके 2 पीसेस लिए थे, वरना मैं एक ही लेती इसका। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को, दिवाली स्टेज व्लॉग को हम ये करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।